गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइलोटम के पार्ट टू में कल की क्लास के आगे का स्टडी करेंगे। कल की क्लास में हमने देखा था कि उसकी आउटर स्ट्रक्चर यानी कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या है, उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमने राइजोम की इंटरनल स्ट्रक्चर देखी थी, उसके अंदर कैसे माइकोराइजा रहते हैं, माइकोराइजा क्या मदद करते हैं, और साइलोटम का कॉमन नेम क्या है, साइलोटम का क्लासिफिकेशन, इन सब के बारे में हमने पिछली क्लास में स्टडी किया था। आज की क्लास में हम साइलोटम के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर एरियल शूट्स की इंटरनल एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब हम एरियल शूट का ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो वो अंदर से किस प्रकार दिखाई देता है और उसमें कौन कौन सी चीजें हमको दिखाई देती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमने डायग्राम बनाया है कि उसके अंदर कि किस प्रकार इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हम पांच पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एपिडर्मिस जो कि सिंगल लेयर्ड थिक होता है और उसके ऊपर एक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल जो है वो पाई जाती है जो प्रोटेक्शन का कार्य करती है, हमें पता है। और इसके अंदर स्ट्रोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। एरियल शूट के अंदर स्ट्रोमेटा का प्रेजेंट होना क्या इंडिकेट करता है, इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसके अंदर वायु का आदान प्रदान यानी गैसेस का आदान प्रदान के लिए ये स्ट्रोमेटा है, और स्ट्रोमेटा जहां होंगे वहां पर ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस ये स्टेम करता होगा, प्रकाश संश्लेषण करता होगा, तभी यहाँ पर स्ट्रोमेटा प्रेजेंट है। और हमें पता है साइलोटम के अंदर स्केली लीव्स प्रेजेंट होती है और स्केली लीव्स भोजन का निर्माण नहीं करती हैं, तो भोजन का निर्माण कौन करेगा, स्टेम ही करेगा। ये स्टेम ग्रीन होगा और ये स्टेम फोटोसिंथेसिस करेगा, तो ये वही स्टेम है और यहाँ पर देखो आप स्ट्रोमेटा प्रेजेंट है। उसके बाद में कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स जो है काफी लंबा रीजन होता है, काफी बड़ा क्षेत्र है जिसको हमने आउटर, मिडल और इनर कॉर्टेक्स में डिवाइड किया है। जो आउटर कॉर्टेक्स है वो दो से तीन लेयर या टू टू फाइव लेयर हो सकता है और वो क्लोरेनकाइमेटस, क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं से बना होता है। और हमें पता है क्लोरोफिल का क्या काम है, भोजन का निर्माण करने में हेल्प करना, तो ये वो रीजन है आउटर कॉर्टेक्स जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। ये रीजन टू टू फाइव लेयर से मिलकर बना होता है और वो सेल्स क्लोरोफिल युक्त होती है। उसके बाद में आता है मिडिल कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बना होता है। अब ये स्क्लेरेनकाइमेटल सेल्स क्या हेल्प करती हैं, क्या मदद कर सकती हैं, हमें पता है स्क्लेरेनकाइमा हार्ड होता है, दृढ़ होता है, मजबूत होता है, अर्थात एरियल शूट क्योंकि वो 15 से 20 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, है ना, तो उनको लचकता या मजबूती प्रदान करने के लिए वो ज्यादा हिले डुले नहीं या टूटे नहीं हवा के साथ, इसलिए जो जो स्ट्रेंथ है वो आपको मिडल कॉर्टेक्स में उपस्थित स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड करवाएगा। नीचे का जो थोड़ा सा बड़ा रीजन है उसको हमने नाम दिया है इनर कॉर्टेक्स, और इस इनर कॉर्टेक्स जो है वो पेरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बना होता है और इसमें इंट्रासेलुलर स्पेसेस भी नहीं होते हैं। और जैसे ही हमें पता है कॉर्टेक्स खत्म होता है तो एंडोडर्मिस स्टार्ट हो जाता है, एंडोडर्मिस सिंगल लेयर्ड होता है, एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर की तरफ पेरिसाइकिल यानी कि परिरंभ प्रेजेंट होता है, और इस परिरंभ के अंदर की तरफ हमें पता है क्या होता है भाई, स्टील होता है, और स्टील राइजोम के अंदर जैसा कि हम देखा था तो वहां पर तो प्रोटोस्टील प्रेजेंट था, यहां पर जो स्टील है थोड़ा सा एडवांस्ड है और यहां पर साइफोनोस्टील नाल रंभ प्रेजेंट होता है। हमें पता है प्रोटोस्टील और साइफोनोस्टील में क्या फर्क है भाई, पित्त का, इसके मध्य भाग में स्क्लेरेनकाइमेटस पित्त प्रेजेंट होती है, बिल्कुल मिडिल में आप देखेंगे स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट है, स्क्लेरेनकाइमेटस पित्त प्रेजेंट है, इस वजह से यहां पर जो स्टील है ये साइफोनो स्टील, साइफोनोस्टील यानी कि नाल रंभ प्रकार की है, साइफोनोस्टील प्रकार की रंभ यहाँ पर प्रेजेंट है। इसमें स्टील के अंदर जाइलम की रेज, अरीय किरणें 7 से 8 इस प्रकार की रेज, देखो अरीय विकिरित किरणें जो है वो निकल रही हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं, और उसके अंदर जो जाइलम है वो दो तरह का है, मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम। स्क्लेरेनकाइमा के पास यहां पर जो जाइलम है ये है मेटाजाइलम, और जो रेज के अंदर जो किरणों के अंदर और ये विकिरित जो आर्म्स हैं उनके अंदर जो जाइलम है वो छोटा है थोड़ा सा, उसको हमने नाम दिया यहाँ पर प्रोटोजाइलम। तो यह जाइलम टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, और उसके चारों तरफ आप देख रहे हैं कि ये फ्लोएम जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये जो है इसमें भी बेस, बेस में यानी कि जो अरीय शाखाएं जो हमने डायग्राम देखा था शुरू में, अरीय जो वायवीय शाखाएं हैं उन शाखाओं के आधारीय भाग के अंदर अगर आप सेक्शन कटिंग करेंगे और वहां पर अगर आप स्टील का अध्ययन करते हैं तो वहां पर आपको स्क्लेरेनकाइमा यहाँ एब्सेंट होगा वहां पर, तो यहाँ आपको
एक्टिनोस्टील प्रकार की स्टील दिखाई देगी, क्योंकि वहां पर स्क्लेरेंकाइमा अब्सेंट हो जाएगा, वहां वो नहीं मिलेगा, तो आपको एक्टिनोस्टील प्रकार की स्टील दिखाई देती है। पत्ती की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। पत्ती की आंतरिक संरचना के अंदर हमने देखा था कि पत्ती साइलोटम के अंदर स्केली लीव्स, यानी कि स्केली लीव्स प्रकार की, स्केली लीव्स शल की पत्तियां जो है वो पाई जाती हैं। यहाँ पर सामान्य पत्तियां यानी कि जो भोजन का निर्माण करती हैं, जिनको हम ट्रोपोफिल्स भी कहते हैं, उनका अभाव होता है। और ये जो पत्तियां वायवीय अक्षों के ऊपर दूर दूर लगी रहती हैं। तो इसकी आंतरिक संरचना की हम बात करें तो उसमें हम इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, अधिचरम और पर्णमध्योतक, एपिडर्मिस एंड मेसोफिल। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती हैं, जिसके ऊपर थिक क्यूटिकल का कवरिंग इसमें हम देखने को मिलती है, जो कि इनका प्रोटेक्शन करती है, सुरक्षा का काम करती है। और उसके अंदर जो सारा दोनों एपिडर्मिस यानी कि अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच का जो पार्ट है वो मेसोफिल यानी कि पर्णमध्योतक से मिलकर बना होता है। ये जो पर्णमध्योतक है वो क्लोरोफिल युक्त मृदुत्वकीय कोशिकाओं से बना होता है, यानी कि इनमें क्लोरोफिल बढ़ने होता है और ये मृदुत्वकीय पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। इनके अंदर एक विशेष बात आपको देखने वाली होगी, या जो आप देख भी रहे हैं, कि सामान्यतः पत्तियां पैलिसेड व स्पंजी पैरेन्काइमा के अंदर, यानी कि जो मेसोफिल होता है वो पैलिसेड यानी खम्भ ऊतक और स्पंजी मृदुतक के अंदर, पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा के अंदर जो मेसोफिल डिवाइड होता है। लेकिन यहाँ पर पैलिसाइड व स्पंजी पैरेन्काइमा के अंदर मेसोफिल डिवाइडेड नहीं है, ये क्लोरोफिल युक्त पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं से बना हुआ है। इनके अंदर रंध्र व संवहनोत्तक का अभाव होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एपिडर्मिस में किसी भी प्रकार का स्ट्रोमेटा या रंध्र आपको देखने को नहीं मिलता है। रंध्र हमने कहाँ देखे थे? एरियल शूट की इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमने वायवीय अक्षों के ऊपर देखे थे, और हमने देखा था कि वही भोजन का निर्माण भी कर रहा था। वैसे सामान्यतः भोजन का निर्माण पत्तियां करती हैं, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रोमेटा व समन उत्तक का अभाव होता है। इस अभाव के कारण यहाँ पर ये भोजन का निर्माण नहीं करती हैं। अब हमने साइलोटम की इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि सबटेरेनियन राइजोम, सेकेंड हमने देखा था एरियल शूट, और थर्ड हमने देखा है लीव्स, इन तीनों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर लिया है। अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। और रिप्रोडक्शन मुख्यतया दो प्रकार का हो सकता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और स्पोर्ट्स के द्वारा रिप्रोडक्शन, जो कि हम अगली क्लास में इसका वीडियो देखेंगे।